डीजल मूल्य वृद्धि से नाराज ऑटो चालकों ने हड़ताल की। इस दौरान सवारियां खासी परेशान नजर आईं। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर मोहली रोड से हाईवे तक जाने वाले ऑटो चालकों ने एक दिवसीय हड़ताल की। हड़ताल के दौरान यात्री परेशान नजर आए। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा 9 दिन में लगातार 8 बार डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाने को लेकर ऑटो चालकों में रोष व्याप्त। उन्होंने शुक्रवार को मोहली रोड से हाईवे तक जोड़ने वाले रोड पर ऑटो बंद कर दिए। ऑटो चालक ने बताया कि सवारियों के द्वारा कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे डीजल पेट्रोल के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। इसी के विरोध के चलते एक दिवसीय हड़ताल की गई। अगर सवारी के द्वारा रुपए नहीं बढ़ाए गए और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। इस संबंध में ऑटो चालकों ने जानकारी भी दी। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। किस मामले को लेकर हड़ताल की जा रही है? ये हो रही है कि गैस हो गई है महंगी, सवारी देती 5 रुपए बाईपास तक, क्या हो जाएगा? इतने की गैस मुझे नहीं कमा पाते हैं, क्या ले जाएंगे? जब सवारी को ये लगेगा कि हम आज लेट हो गए, ड्यूटी नहीं पहुंच पाए, इस कारण से ऑटो के कारण या बैटरी के कारण, तो उनको पता तो लगेगा कम से कम 10 रुपए हो गए। तो कल से रात को सवारी 10 रुपए दे रही है, हम लोगों ने 10 रुपए नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। तो गैस हो गई है महंगी, 63 रुपए से 80 रुपए 50 पैसे गैस हो गई है। और इसके चलते हुए कितने दिन की हड़ताल की गई है? ये आज ही आज के लिए, एक दिन के लिए। आज ही होता है ऐसा तो कल फिर होगी। मथुरा के वृंदावन में साधु संतों ने